नमस्कार, मैं हूँ ज्योति। स्पेशल रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ रोटी पिज्जा चाट, जो कि घर की बहुत ही कम सामान में बनने वाली रेसिपी है। आज की ये रेसिपी छोटे बच्चों से लेके बड़े तक सबको बहुत ही पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं आज की इंटरेस्टिंग रेसिपी की तरफ। स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पे कॉर्न्स लिए हैं कुकर में, जिसे मैंने 2 सीटी लगाए हैं जिससे ये सॉफ्ट हो। मसाला पोटैटो बनाने के लिए है कैप्सिकम लिया है छोटे छोटे कट करके, एक ऑनियन लिया है बड़े साइज़ का छोटे छोटे काट के, बाद में मैंने एक टोमेटो लिया है मीडियम साइज़ का, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस और टोमेटो केचप, इन सारे इंग्रेडिएंट का आज हम इस्तेमाल कर दें। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे पैन में मैंने 1 चम्मच इतना तेल लिया है, थोड़े से जीरा ऐड करके, जो आलू हमने छोटे छोटे काट के लिए थे ना वो आपको इसमें यहाँ पे ऐड करना है। अब इन्हें एकदम गोल्डन ब्राउन कर आने तक अच्छे से इसे फ्राई कर लेंगे। कंटिन्यूस इसे 2-3 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे, जिससे हमारे जो आलू है ना वो हमारे पैन में चिपके ना या फिर जल नहीं जाए। फिर इसके बाद हम इसे एक डिश में निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमारे आलू तैयार हो गए। अब यहाँ पे मैंने जो कश्मीरी मिर्ची पाउडर है वो लिया है 1 टेबल स्पून, जिससे कलर भी आए और उसका तीखापन भी ना मालूम पड़े। नमक लिया है और चाट मसाले लिया है 2 पिंच। अब इन सारे सामान को हम अच्छे से आलू को कोटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमारी आलू की कोटिंग ये अपने आलू अच्छे से तैयार करके ले रही हूँ। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे मैंने रोटी लिया है 2। सबसे पहले उसे कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको आपकी जो घर में रोटी है ना दोपहर में बनी हुई, या फिर कोई भी एक्स्ट्रा रोटी रहेगी ना तो भी टेंशन नहीं है। फॉर्क की मदद से हम उसे दोनों तरफ से होल्ड कर लेंगे। ये एक रोटी हो गई, अब हम ले लेंगे दूसरी रोटी। सेम प्रोसेस फॉलो करके इसे भी हम फॉर्क की मदद से दोनों तरफ से होल कर लेंगे। या तब तक मैंने यहाँ पे कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रखा था। तेल को अच्छे से गरम होने देंगे और हमने जो रोटी बनाई थी उसे हम यहाँ पे तल लेंगे। एकदम अच्छे से कुरकुरी कड़क एकदम मस्त ऐसे बनने तक हम इसे तल लेंगे, एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक। यहाँ पे दोनों रोटी की प्रोसेस ये मैं अलग अलग बता रही हूँ, आपको जो पसंद आए आप उससे फॉलो करना। तो यहाँ पे एक हो गई तलने की प्रोसेस, दूसरी प्रोसेस में हम तलेंगे नहीं। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक पैन गरम करने के लिए रख दिया था और जो हमारी रोटी है उसे मैं सेक रही हूँ रुमाल की मदद से। इस रोटी को भी हम एकदम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक, एकदम कड़क या फिर एकदम कुरकुरी जैसी रहती है ना वैसे हम सेक लेंगे दोनों तरफ से। यहाँ पर हमारी दूसरी रोटी भी तैयार होने आ रही है। तो इन दोनों में से आपको कौन सी प्रोसेस अच्छी लगी ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। देखिए हमारी रोटी में एकदम मस्त कलर भी आ चुका है गोल्डन। यहाँ पे मैं अभी आपको दोनों रोटी दिखाती हूँ। एक मैंने रोटी तल के ले ली है और एक को मैंने तवे पे फ्राई कर लिया है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। जो हमने स्टफिंग के लिए सामान इस्तेमाल किया था कॉर्न्स लिए थे, इसको मैंने कुकर में 2 सीटी लगा के ले लिया था। ये हमारे आलू मसाले वाले कैप्सिकम ले लिए हैं, उसके बाद जो प्याज लिया था मीडियम साइज़ का उसे मैंने छोटे छोटे काट के ले लिया है, टमाटर लिया है 1 छोटे साइज़ का, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस और रेड चिली सॉस, टोमेटो केचप का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अलावा अगर आपको कोई और ग्रीन चिली सॉस या फिर सिर्फ टोमेटो केचप पसंद आए तो उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैंने टोमेटो केचप इस्तेमाल कर रही हूँ। पिज़्ज़ा पास्ता सॉस नहीं है तो भी चलेगा, है तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद ना मैं यहाँ पे जो हमारे चीज़ है ना स्लाइस, उसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट के इसके ऊपर रख रही हूँ। पूरे स्लाइस हम एक साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे, थोड़ा सा हम बचा के रखेंगे बाद में सर्व करने के लिए, जिससे हमारी जो स्टफिंग है एकदम मस्त तैयार हो जाएगी। यह हो गया। फिर जो हमारे मसाले शिमला मिर्च कांदा टोमेटो और आलू के मसाले वाले आलू एकदम मस्त, जो हम लोगों ने क्रिस्पी बना के रखे थे, ऐसे लग ही नहीं रहा है कि ये आलू है, ऐसे लग रहा है जैसे पनीर है। फिर उसके बाद जो कॉर्न्स है और प्याज
टोमेटो ये सब हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अगर इसमें से कोई चीज़ आपके पास अवेलेबल नहीं हो, नहीं इस्तेमाल करेंगे तो भी चलेगा, ऐसे कोई कंपलसरी नहीं है कि ये सब सामान आपके लिए चाहिए। लेकिन जो हमारी एक्स्ट्रा बची हुई रोटी है ना, वो कभी वेस्ट नहीं जाएगी आज की ये रेसिपी देखने के बाद। जो चीज़ स्लाइस हमने बचा के रखे थे वो अभी हम इसके ऊपर सर्व कर देंगे। सेम यही प्रोसेस इस्तेमाल करके अभी हमने जो रोटी तल के ले ली थी उसे भी सेम प्रोसेस फॉलो कर लेंगे। टोमेटो केचप, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, बाकी सब मटेरियल जो जो हमारे घर पे अवेलेबल है। अभी इसके बाद मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई को गर्म करने के लिए रख दिया था। दो तीन मिनट के बाद हम इसको इसके ऊपर का ढक्कन हटा देंगे। उसके ऊपर जो स्टैंड रखा है उसमें पानी रखेंगे और एक डिश रख देंगे, और जो रोटी हमने स्टर्व करके रखी थी ना उसे हम यहाँ पे रख देंगे। आपको यहाँ पे पानी लेना कंपलसरी है, नहीं तो जो हमने चीज़ इस्तेमाल किया है वो मेल्ट नहीं होगा। इसे रख ढक के रख देंगे 2-3 मिनट के लिए, और यहाँ पे हमारा जो चीज़ है ना वो अच्छे से मेल्ट हो चुका है। सेम यही प्रोसेस फॉलो करके हम दोनों रोटी बना लेंगे। एकदम टेस्टी लुक, जो हमारी रोटी कभी वेस्ट नहीं जाएगी। और इसे तोड़ने के लिए हम कोई कटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, डायरेक्ट हाथ से ही हमारे इसे कट कर लेंगे और बच्चों के लिए सर्व कर देंगे। आज की ये रेसिपी बनाने के बाद आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।